इस साल लोकसभा चुनाव के लिए 7 चरणों में मतदान होना है। 4 चरणों के मतदान के बाद अभी 3 चरणों के चुनाव और बाकी है। साथ ही 7वें चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है और नाम वापस लेने की प्रक्रिया अभी जारी है। अभी हाल ही में मिमिक्री आर्टिस्ट श्याम रंगीला का वाराणसी से नामांकन खारिज हो गया है। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल जरूर उठ रहे होंगे कि प्रत्याशी के नामांकन भरने के बाद भी वो किस वजह से खारिज हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं मंटू और आप देख रहे हैं खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मिमिक्री आर्टिस्ट श्याम रंगीला इन दिनों काफी चर्चा में हैं। दरअसल वाराणसी से श्याम रंगीला ने पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला किया था। काफी जद्दोजहद के बाद श्याम रंगीला ने नामांकन दाखिल किया, लेकिन अगले ही दिन उनका नामांकन खारिज कर दिया गया। दरअसल श्याम रंगीला ने अपने नामांकन के साथ शपथ पत्र नहीं दिया था, जिसकी वजह से उनका नामांकन खारिज कर दिया गया। बता दें, लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। इसके तहत कोई भी भारतीय नागरिक लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए नामांकन भरकर चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी कर सकता है। इसके लिए शर्त होती है कि उसका नाम वोटर लिस्ट में हो। चुनाव में नामांकन पत्र भरते समय हर उम्मीदवार को एक एफिडेविट देना होता है। इसमें अपनी आय व्यय की जानकारी सार्वजनिक करनी होती है। इसके साथ ही एजुकेशन की जानकारी, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मूल निवासी और जाति प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी साथ में लगानी होती है। इसके अलावा उम्मीदवार को नामांकन पत्र में ही अपना चल अचल संपत्ति जैसे गहने और जमीन, कर्ज की जानकारी देनी होती है। शादीशुदा है तो पत्नी और अगर बच्चे हैं तो उनकी भी आय व्यय, जेवर जमीन और कर्ज की हर एक जानकारी देनी पड़ती है। उम्मीदवार और उसकी पत्नी, बच्चों के पास हथियारों, आपराधिक मामलों के बारे में बताना होता है। कोर्ट में कोई केस चल रहा है या किसी केस में सजा हुई है तो उसकी जानकारी शपथ पत्र के जरिए ही देनी पड़ती है, जो कि मिमिक्री आर्टिस्ट श्याम रंगीला ने अपने नामांकन पत्र में नहीं दिया था। बता दें, चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल होने के बाद चुनाव आयोग उम्मीदवार के सभी दस्तावेजों की जांच करता है। इस प्रक्रिया में अगर आयोग को किसी भी दस्तावेज में कुछ भी संदिग्ध लगता है तो चुनाव आयोग उस प्रत्याशी की उम्मीदवारी बर्खास्त कर सकता है। बता दें, प्रत्याशी चुनाव मैदान में तभी वोट मांगने के लिए प्रचार कर सकता है जब उनकी उम्मीदवारी चुनाव आयोग रजिस्टर घोषित कर दे। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म।